हाई गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बट आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सैमसंग का एक स्मार्ट एलईडी टीवी है और एक ब्लूटूथ स्पीकर भी है, लेकिन वो साउंड आउटपुट के लिए अभी भी ऑक्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर जब भी उन्हें गाना सुनना होता है वो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आप अपने एलईडी टीवी को अपने ब्लूटूथ स्पीकर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक खास बात, इस एलईडी टीवी में आपको एक खास फीचर दिया हुआ है ऑडियो मिररिंग का। ऑडियो मिररिंग के थ्रू आप अपने मोबाइल के साउंड आउटपुट को अपने टीवी से ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आप ऑडियो मिररिंग का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें और हमारे चैनल को ग्रो होने में काफी हेल्प होती है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए जान लेते हैं कि आप अपने एलईडी टीवी को अपने ब्लूटूथ स्पीकर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपने एलईडी टीवी को ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको होम स्क्रीन में आना है। होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको सोर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सोर्स के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको कनेक्शन गाइड का ऑप्शन मिल जाता है। कनेक्शन गाइड के अंदर यहाँ पे आपको ऑडियो डिवाइसेस का ऑप्शन आता है। ऑडियो डिवाइसेस के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सेटअप नाउ का ऑप्शन दिख जाता है, और सेटअप नाउ के ऑप्शन को क्लिक करने से पहले आपको अपने ब्लूटूथ स्पीकर को ब्लूटूथ मोड में डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटअप नाउ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो सेटअप नाउ के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ब्लूटूथ स्पीकर का लिस्ट दिखा रहा है, तो आपको अपने स्पीकर को पेयर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेयर एंड कनेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दोस्तों अब आपका एलईडी टीवी अपने स्पीकर से कनेक्ट हो गया है। दोस्तों आपका ब्लूटूथ स्पीकर आपके एलईडी टीवी से पेयर हो चुका है। तो इन्हीं कुछ इजी स्टेप्स के थ्रू आप अपने स्पीकर को अपने एलईडी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं कुछ इजी स्टेप्स के थ्रू आप अपने एलईडी टीवी को अपने ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि ऑडियो मिररिंग क्या होता है। दोस्तों हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कोई भी स्पीकर नहीं होता है, तो ऐसे में अगर हमें अपने फैमिली के साथ कोई भी ऑडियो को सुनना होता है तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। तो सैमसंग ने इस एलईडी टीवी में एक ऐसा फीचर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल का साउंड आउटपुट अपने टीवी से ले सकते हैं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आप इस ऑडियो मिररिंग फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑडियो मिररिंग फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको होम स्क्रीन में आना है। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे आपको ट्यून स्टेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ट्यून स्टेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने मोबाइल को अपने एलईडी टीवी के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस चलिए मोबाइल में आ जाते हैं। अपने मोबाइल को एलईडी टीवी से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लूटूथ के ऑप्शन में जाना है। ब्लूटूथ के ऑप्शन के अंदर आपका एलईडी टीवी उसके मॉडल नंबर से शो होगा, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेयर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आपका मोबाइल आपके एलईडी टीवी से कनेक्ट हो चुका है। तो अभी एलईडी टीवी मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है, तो चलिए कुछ गाने बजा के देखते हैं। दोस्तों इन्हीं कुछ इजी स्टेप्स के थ्रू आप अपने मोबाइल का साउंड आउटपुट अपने एलईडी टीवी से ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।